के मरदेवरा सहकारी समिति द्वारा खरीदी केंद्र में किसानों से ली जा रही कटती बक्सवा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर होने के कारण मरदेवरा में गेहूं खरीदी केंद्र बनाया गया, पर समिति प्रबंधक की मनमानी के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों से खरीदी से 1 किलो से लेकर 2 किलो तक ज़्यादा लिए जा रहे हैं। किसानों ने बताया कि शिकायत करने के बाद समस्या हल नहीं हुई। कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत बक्सवाहा में क्षेत्रीय विधायक ने लिया प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा। को बड़ा मलहरा विधायक एवं नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम अध्यक्ष कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी ने बक्सवाहा में प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिस दौरान विधायक श्री लोधी बस स्टैंड पर स्थित टीन शेड पर भी रुके, जहां पर स्थानीय प्रशासन द्वारा मास्क न पहनने वालों एवं अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही थी। जिस समय SDM सहित स्थानीय प्रशासनिक अमले के अलावा भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। बक्सवाहा नगर की गलियों में जाकर क्षेत्रीय विधायक ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। बक्सवाहा में क्षेत्रीय विधायक एवं नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम अध्यक्ष कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की एवं इसके साथ ही उन्होंने जनता कर्फ्यू का भी आह्वान किया। तो वहीं इसके अलावा गलियों में जो लोग बिना मास्क के दिखाई दिए, उन्हें विधायक श्री लोधी के द्वारा मास्क प्रदान करके उनसे घरों में रहने का निवेदन किया गया, जिस दौरान भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा प्रशासनिक अमले की भी मौजूदगी रही। बक्सवाहा में कोरोना कर्फ्यू के नियमों पर भारी पड़ रही जल समस्या। बक्सवाहा सहित जिले भर की समस्त राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रूप से लागू किया गया है, तो वहीं लोगों से अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की भी अपील की गई है। लेकिन बक्सवाहा में विकराल जल समस्या कोरोना कर्फ्यू के नियमों पर भारी पड़ रही है। कई लोगों को जल समस्या की पूर्ति के लिए सार्वजनिक कुओं, नलकूपों एवं तालाबों पर जाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बक्सवाहा में पुरानी पाइपलाइन के जरिए होने वाली जल सप्लाई में कुल 6 तबकों तक पानी पहुँच पाता है एवं नई पाइपलाइन का कार्य अभी प्रगति पर है।